हमारे को फूलों की नॉलेज होती रही, कौन सा फूल हमारे क्लाइमेट में, हमारे अल्टीट्यूड में, कौन सा हमारे लिए रिजल्ट अच्छा दे सकता है। तो ग्लैड से हम धीरे धीरे कार्नेशन पे आ गए, कार्नेशन से गुलदावरी पे आ गए, गुलदावरी से लिली पे आ गए। तो इस टाइम पे आप इस गांव में देखो तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप टाइप की आपको वैरायटीज मिल जाएगी, अच्छा, जो हम काफ़ी टाइम से ग्रो कर रहे हैं। मतलब इस गांव के कितने परिवार जो फूलों के बिजनेस से जुड़े इस हैं? गांव में सर टोटली 6 फैमिलियाँ हैं, छः अच्छा फैमिलियाँ हैं, अच्छा और यहाँ पे टोटल जो लैंड है वो 106 बीघा कल्टीवेटेड लैंड है। अच्छा ऑन तो एन उसमें एवरेज सात हाँ जी छः सात पौले हो सकते एक बंदे के पास तो यहाँ पे ये मान के चलो कि 6 फैमिलियाँ, 6 की 6 फैमिली फूलों का ही काम करती हैं। अच्छा तो हाँ जी जब स्टार्ट जब हुआ था किसी टाइम में 90 के हाँ आसपास, जी तो उसमें मतलब कहीं से तो होगा कि कोई बिल्कुल बिल्कुल। मोटिवेशन मिली होगी यहीं या? नियर बाय, मेरे को इतना आइडिया तो नहीं है, पर जो हमारे बुजुर्ग फादर वगैरह करते हैं, हाँ उन्होंने किसी के थ्रू नॉलेज ली थी। कोई था यहाँ पे राजा के टाइम का, उसने सीड लेके आया था ग्लैड का, उसने ट्रायल किया था, तो उसी से हमने परचेज करके फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्रायल किया था फूलों का। यहाँ कोई सरकारी विभाग भी है फूलों से संबंधित? हाँ जी यहाँ साथ में है, महोग बाग है अच्छा, तो उनसे भी वो। कुछ आपको असिस्टेंस हाँ मिलती जी है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छा हेल्प मिलती है उनसे भी स्टार्टिंग जी में। अब तो हम खुद ही प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो काफ़ी नॉलेज है इस मामले में। मतलब सब्सिडी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा मेरे हाँ को। हाँ हाँ जी अरे हम स्टार्टिंग में सब्सिडी तो पे तो डिपेंड नहीं है सर। अगर हाँ आप वो है ना, सब्सिडी पे डिपेंड रहोगे तो आप इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते, बिल्कुल क्योंकि गवर्नमेंट पे डिपेंड रहना बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बहुत बड़ी मतलब बेवकूफ़ी जब है। स्टार्ट किया तो तब तो सब्सिडी ली होगी हाँ आपने? स्टार्टिंग में सर छोटे से शुरू किया, इन्वेस्टमेंट कम थी, खर्चे कम थे, तो धीरे धीरे जैसे इस फील्ड में हमारे को प्रॉफिट शुरू हुआ तो हमने फिर ये लास्ट स्केल पे किया। अभी आपकी उम्र लगभग 27 साल? मेरी 27 है सर। 27 है, तो आज से 10 90 हो गया, वो लगभग 21 20 साल है, ये तीस मान के साल चलो सर तीस तीस एक साल हाँ पहले, 30 साल मतलब आप से। बिल्कुल छोटे हुआ करते थे। मेरा तो बर्थ ही सर 93 का है, हाँ तो तो आपने उससे सुना पहले होगा भी कि काम उससे शुरू। पहले यहाँ पे क्या हाँ जी फसलें हाँ जी लगती उससे थी? पहले शुरू हो गया है। नहीं, उससे पहले फसलें क्या लगती उससे थी? पहले सर यहाँ पे आलू लगता था काफ़ी थोक में, अच्छा और बाकी सब्जियाँ लगती थी, टमाटर हो गया, शिमला मिर्च हो गई, अच्छा वेजिटेबल ही लगता था, पर मैक्सिमम जो मेजर क्रॉप होती थी यहाँ पे वो पोटैटो आलू होती थी, अच्छा वही उसके अलावा कोई क्रॉप नहीं लगती। टोकरी जो होती है। तो हाँ ग्लैड लस अभी भी लगा रहे कि बंद कर दिया? ग्लैंडलेस है सर, पर कुछ एक गांव में जो लोग हैं वो हेलो, लगा रहे हैं, पर बहुत ही कम क्वांटिटी पे लगा रहे हाँ हैं। जी, उसमें हमने देखा सर उसमें मेहनत ज़्यादा है, हाँ, आउटपुट होलसेल कम है और लेबर कुछ उसमें। हुआ? मतलब बंद ही कर हाँ दिया वो। हम देख रहे हैं सर मेहनत तो कार्नेशन में भी ज़्यादा है, पर इसमें ये है कि ये आपको 12 महीने 30 दिन कुछ ना कुछ देता रहता देती है, है। वो देश सीजनली है। यहाँ की हाइट कितनी होगी? सर इसकी यहाँ की हाइट है 1750 मीटर के आसपास, और जमीन अराउंड कितनी छः फीट हज़ार फीट के आसपास। मैं काट करना वे पूछ यहाँ रहे पे हैं। सर बर्फ गिरती है लगभग 1 से 2 फीट के आसपास, नहीं बारिश तो आने पर बूट पानी गिरता काट है। ना हाँ देने जी खराब हो रहा, ट्रांस और से बारिश टाक गिरती है तो आपके इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है कि ये इसमें सर काट हमने डिज़ाइन इस तरीके से